Dear students, a strategy of enhancement of food production, उसमें हम लोगों ने दो वीडियो के थ्रू डेयरी फार्म मैनेजमेंट को अच्छी तरह से स्टडी किया। ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में मतलब डेयरी प्रोडक्ट के बारे में, उसको इम्प्रूव, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के तरीके, उसके डिजीज, उसके कंट्रोल के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा। यानी डेयरी फार्म मैनेजमेंट के हर पार्ट को पढ़ने के बाद हम लोग आज चल रहे हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, आपको क्या लगता है, अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट तो क्या सिर्फ और सिर्फ उसमें चिकन पालते हैं सिर्फ, यानी मुर्गियों को पालते हैं? नो, कहता है उसमें चिकन भी होते हैं, उसमें डक भी होते हैं, उसमें टर्कीज भी होते हैं, उसमें गीज भी होते हैं, और सीधी बात बता दूं अगर मटन की बात की जाए तो बाकी सब ठीक है बर्ड्स भी आते हैं उसमें पोल्ट्री में। ये नहीं होता है कि सिर्फ यही चार आते हैं, और भी चीजें आती हैं। ठीक है, तो कहता है ये जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है, ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में मतलब ये डोमेस्टिकेटेड बर्ड का एक ग्रुप है जिसको हम लोग पालते हैं मटन के लिए, पालते हैं एग के लिए, यानी फूड के लिए, यानी कि फूड मटन, फूड में मेनली क्या मटन और एग के लिए उसका हम मतलब प्रोडक्शन करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो कहता है इसमें भी डेयरी मैनेजमेंट की तरह हम लोग हर चीज का ख्याल रखते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में भी चीजें वही है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन को अगर क्वालिटी और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो जो हम लोग उपाय ठीक है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए करते थे वही इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, किसके लिए वही करेंगे? ठीक है, मतलब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए भी। ठीक है, तो बताइए उसमें क्या करते थे, यानी कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में पहला काम क्या होता था? कहता है हाई यील्डिंग वैरायटी। यहां भी हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी को ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग मतलब देखते थे कि डिजीज फ्री वैरायटी होना चाहिए, सुपीरियर वैरायटी होना चाहिए। ठीक है, वहां पे था कि लैक्टेशन पीरियड ज्यादा दिन का होना चाहिए। ठीक है, यहां पे है कि एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, फ्लेश डेवलपिंग कैपेसिटी, मटन यानी कि उसके मांस की क्वालिटी और मतलब वेट भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है वहां भी हमने क्लीननेस देखा था, यहां भी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, वहां भी बेटर हाई हाउसिंग थी एक पॉइंट, यहां भी हाउसिंग बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, कहता है वहां भी हाइजीन कंडीशन था और क्लिनिकल फैसिलिटी थी, वेटनरी फैसिलिटी थी, यहां भी हमें क्लिनिकल फैसिलिटी देना पड़ेगा, यहां पे भी हमें डिजीज ठीक है को इराडिकेट करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये वो सारा कुछ करना पड़ेगा। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए भी वही सब क्राइटेरिया है जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का था। क्लियर है, तो इसी सब को हम लोग देखते हैं। कहता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्लास ऑफ डोमेस्टिक फॉल्स यानी बर्ड्स। ठीक है, हम लोग फूड यानी कि फूड में किसके लिए मेनली ठीक है एग के लिए और मीट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फूड में मेनली हम लोग एग और मीट के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? कहता है इसमें चिकन आते हैं, डक्स आते हैं, टर्की आते हैं, गीज आते हैं। ठीक है, और कहता है कि ये किसके लिए? फॉर बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि मीट ठीक है यानी कि फूड के ये क्या बोलते हैं मीट और एग बेटर क्वालिटी में और बेटर क्वांटिटी में प्राप्त हो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो कहता है सब कुछ करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट की तरह। ठीक है, जस्ट लाइक डेयरी मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई, सेलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। ठीक है, फिर कहता है प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, तीसरा प्रॉपर फीड एंड वाटर, चौथा हाइजीन एंड हेल्थ केयर आर ऑल्सो इम्प्रूव। ठीक है, क्या कहता है मतलब ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। कहते हैं ये सब चारों जो कंपोनेंट है उसमें सबसे
जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो इसके लिए यही है कि मतलब वेटनरी फैसिलिटी यहाँ भी दिया जाए, ठीक है, यहाँ भी क्लिनिकल फैसिलिटी दिया जाए जो बर्ड्स को डिजीज फ्री करे, क्योंकि बर्ड्स पे सबसे बड़ा अटैक जो होता है वो वायरस का होता है, ठीक है। तो वायरस फ्री, बैक्टीरिया फ्री बर्ड के प्रोडक्शन के लिए हमें क्लिनिकल फैसिलिटी का अवेलेबल होना जरूरी है, उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी होना जरूरी है, उसके लिए प्रॉपर, ठीक है, कहता है कि कृषि एवं मत्स्य मंत्रालय जो होते हैं, वेटनरी मंत्रालय जो होता है, कृषि पालन एवं मत्स्य पालन या मतलब सीधे वेटनरी जो काउंसिल है वो क्या करती है, वो सब कुछ मुहैया करवाती है। अब आइए, कहते हैं ये पोल्ट्री बर्ड्स, यानी कि जो पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं वो मेनली, ठीक है, कहते हैं उसमें अंडे भी, अंडे के लिए भी उसको किया जाता है और मटन के लिए भी किया जाता है, अभी दोनों के लिए आपको बताया। तो कहता है पोल्ट्री बर्ड्स एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट कॉल्ड ब्रॉयलर्स, कहता है जो सिर्फ मटन के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, मसल मटन के लिए जिनकी संख्या पाली जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर्स, ठीक है, या उसको बोलते हैं प्लाई माउथ रॉक, ठीक है, ब्रॉयलर्स और प्लाई माउथ रॉक्स, ठीक है। यानी ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट पूछेगा नीट में, और एक बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, फिर से आपको पूछेगा, यानी पोल्ट्री बर्ड्स एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट कॉल्ड ब्रॉयलर्स और प्लाई माउथ रॉक, ठीक है। फिर कहते हैं वो तो मतलब उसमें जनरली क्या होता है, मुर्गा होता है, और मुर्गियों को, ठीक है, काटते नहीं है, मुर्गियों को यूज किसमें करते हैं, उनका उनसे हम क्या लेते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कहता है एग प्रोड्यूस करवाते हैं। तो कहता है जो एग लेयर, एग देने वाले जो फीमेल होती है ना, उनको हम लोग कहते हैं लेयर्स, यानी कि लेयर्स आर फीमेल फॉल्स रेस्ट फॉर एग प्रोडक्शन, यानी इसको बोलते हैं व्हाइट लेग हॉर्न, क्या बोलते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है, यानी लेयर्स, ठीक है, लेयर्स को, लेयर्स क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, व्हाइट लेग हॉर्न, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। यानी पोल्ट्री बर्ड्स में जो मेल होते हैं जनरली वो मीट प्रोडक्शन के काम आते हैं, और जो फीमेल होते हैं वो एग प्रोडक्शन के काम में आते हैं। तो एग प्रोडक्शन को, एग प्रोडक्शन करने वाली फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर्स, या उनको हम लोग कहते हैं व्हाइट लेग हॉर्न एग प्रोडक्शन को। और कहता है कि जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्पेशली मटन के लिए करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉयलर्स या प्लायमाउथ रॉक। अब आइए, एक बीमारी है बर्ड फ्लू, आपने खूब नाम सुना होगा, अपने लोग भी क्या सुने, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है, H1N1 बड़ा फेमस वायरस है, और H1N1 क्या करता है, ठीक है, प्लेटलेट को कम कर देता है, H1N1 के कारण प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। इसका नाम क्या है मालूम है, इसका नाम है, ठीक है, H5N1, इसका नाम क्या है, H5N1, यानी H5N1, H1N1 में यहां पे H5 है, ठीक है, H1N1 में H5, ठीक है, तो कहता है H5N1, यानी कि H1N1 वायरस मतलब स्वाइन फ्लू का है, बट H5 यहां पे क्यों बोलिएगा, आप यहां पे याद रखिएगा, बर्ड्स में BIRDS, बर्ड्स में 5 लीटर है, ठीक है, 5 लीटर याद रखिएगा, H5N1। ये कौन सा किस ग्रुप का वायरस है, कहता है इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, जो अपना लोग में इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है, कहता है इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी ये शुरुआत हुई थी 2003 में थाईलैंड से। देखिए जितने भी वायरस है ना, इस सब थाईलैंड, हांगकांग, चाइना, ठीक है, ये सबसे आते हैं, तंजानिया, चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, तो ये सब मतलब दूसरे दूसरे जगहों से आते हैं, भुगतना इंडिया को पड़ता है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, दूसरा डेंस पॉपुलेशन ज्यादा, हम लोग लापरवाही राजशाही की तरह से जीते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, उसके कारण ये और फैलता चला जाता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो चलिए, यानी कि ये बर्ड फ्लू कब शुरू हुआ था, तो क्या बोलिएगा, 2003 में, किसके द्वारा, थाईलैंड से शुरू हुआ था, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस आया। अब कहता है कि
अब यहां पे सुनिएगा, यहां पे क्या है कहता है कि मान लीजिए ये जो है यानी कि ह्यूमन, अच्छा ये ह्यूमन बीइंग में इसी के थ्रू फैलता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बर्ड्स है जिसका सलाइवा सेक्रीशन है, ठीक है, जिसका नेजल सेक्रीशन है, जिसका फेकल मैटर है, उसी बीच में हम लोग बैठ रहे, उसी से इंफेक्शन हुआ ह्यूमन में, ठीक है। कहता है कि एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं कूलिंग, CULLING। कूलिंग का मतलब हुआ जितना भी इंफेक्टेड बर्ड्स है, जितना भी डिजीज बर्ड्स है, उसको काट करके हटाना, उसको काट देना, स्लॉटरिंग में भेज देना, मतलब उसको जबरदस्ती काट देना, ठीक है, यानी कि उसको खत्म या दफना देना, ठीक है, या उसको मेन पॉपुलेशन से इराडिकेट मतलब हटा देना, ठीक है। तो कहता है कि रिमूवल ऑफ डिजीज्ड बर्ड, इन्फेक्टेड बर्ड्स और स्लॉटरिंग ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स इज नोन एज कूलिंग, ठीक है। कहता है ये करना पड़ता है। 1918 में इसके कारण 50 मिलियन ह्यूमन की डेथ हुई थी, 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो आप समझ सकते हैं कितने का मौत हुआ था, लगभग मतलब कितना हो गया आप सोच लीजिए, 50 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, पूरा कर लीजिए। कहता है सिलेक्शन से, ये कूलिंग का मतलब सेलेक्टिव रिमूवल एंड स्लॉटरिंग ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स, इन्फेक्टेड बर्ड्स, ठीक है। कहता है क्यों, अच्छा इन्फेक्टेड बर्ड को कैसे आप पकड़िएगा कि इन्फेक्टेड बर्ड है, कहता है उसमें सलाइवा के द्वारा फैलता किससे वायरस, नेजल सेक्रीशन के द्वारा और फेसिस के द्वारा, यानी फेकल मैटर्स, ठीक है, फेकल मैटर्स, सलाइवा सेक्रीशन और नेजल सेक्रीशन के द्वारा एक बर्ड से दूसरे बर्ड, और बर्ड से आखिर में किसके पास आता है, ह्यूमन के पास, ठीक है। कहता है कि ये जो बर्ड फ्लू है ना, ये बर्ड फ्लू का जो रिजर्वॉयर है मेनली, वो यहां का बर्ड नहीं है, इसमें भी मामला अलग है। कहता है ये है कौन, कहता है माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर ऑफ बर्ड फ्लू कौन है जी, माइग्रेटरी बर्ड्स, कौन है, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। वायरस अटैक, बताइए H1N1 वायरस, ये अपना में स्वाइन फ्लू वायरस किसको अटैक करता था, अपना में किसको अटैक करता था, कहता अपना में अटैक करता था, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट को, यानी कि उसकी संख्या कम हो जाती थी। यहां पे अटैक किसको करता है, मोनोसाइट को, मोनोसाइट याद कीजिए के सेप्ट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, इसमें के सेप्ट, सॉरी के कहते हैं किडनी सेप्ट, किडनी सेप्ट स्ट्रक्चर है मोनोसाइट में। और एक बात और, ठीक है, कहता ये जो मोनोसाइट होता है ना, ये ही तो मेन है जो डायरेक्ट किल करता है पैथोजन को, उसी को ही नष्ट करता है। कहता है रॉ मीट और एग भी कभी कभी रिजर्वायर का काम करता है, रॉ मीट एंड एग मे कंटेन दिस वायरस, कौन वायरस, H5N1 वायरस, बोलिए क्लियर है पॉइंट, यहां तक आपको कोई दिक्कत है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने बोला था कि इसको, इसके बाद कुछ देर का और है, तो अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ये 10 मिनट का और आपका है इसमें, ठीक है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इसी वीडियो में आपको फिनिश हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कहते हैं चिकन आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी चिकन के वैरायटी को उसके ओरिजिन के आधार पे हम 4 से 5 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। ये जो 4 से 5 पार्ट है, यानी कि 5 पार्ट तो इसका विदेशी पार्ट है लगभग, ठीक है, और जो एक है उसका मतलब, ये सॉरी 5 में 4 पार्ट तो विदेशी पार्ट है, एक उसका इंडिजिनस पार्ट है। कहता है सबसे पहले अमेरिकन ब्रिड्स ले लीजिए, इसमें देखिए आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, हर चीज में ट्रिक नहीं होता, ठीक है, इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अमेरिकन ब्रिड्स, हालांकि मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है, अमेरिकन ब्रिड्स, प्लायमाउथ रॉक, रोडी आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, ठीक है। तो कहता है पॉली माउथ रॉक, रॉडी आइलैंड रेड और न्यू हैम्पशायर, ये तीनों वैरायटी है, जगह का नाम नहीं है, प्लायमाउथ रॉक, रॉडी आइलैंड रेड, ठीक है, न्यू हैम्पशायर, ये तीनों वैरायटी है। इंग्लिश ब्रिड, ठीक है, कहता है ऑस्ट्रालॉर्प, ठीक है, ऑस्ट्रालॉर्प, AUSTRALORP, ठीक है। उसके बाद है कॉमिस, ठीक है, डार्क कॉमिस में कौन सा, डार्क वैरायटी। कहता है एशियाटिक ब्रिड्स, एशियाटिक ब्रिड्स में क्या है, ठीक है, ब्रह्मा यानी कि लाइट वैरायटी, कोचीन और लैंगसन, लैंगसन में, ठीक है, कहता है लैंगसन में भी ब्लैक वैरायटी, लैंगसन में भी कौन सा वैरायटी, ब्लैक वैरायटी।
लैंसन में भी ब्लैक वैरायटी, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद मेडिटेरेनियन ब्रीड्स, ये जो मेडिटेरेनियन ब्रीड है इसमें कौन सा कहते हैं लेगहॉर्न, लेगहॉर्न। और मैं आपको बता दूं यही क्वेश्चन में आता है, यही क्वेश्चन में आता है। एक मिनट, हेलो, हाँ वीडियो बना रहे। अच्छा तो अब मैं अभी तो वीडियो का, अभी तो मेरा क्लास है, जस्ट दो दो मिनट बाद मेरा क्लास शुरू हो रहा है, अभी तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, ठीक है। अभी तो वीडियो में ही लगा हुआ था, तुम्हारा फोन आया तो वीडियो से ही, मतलब उसी में हूँ ही, अभी बीच में ही आया हूँ। चलो ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। देखिए मैं ये आपको बता रहा था, ठीक है, यानी कि एसेटिक ब्रीड, ये जो एसेटिक ब्रीड है, ठीक है, ये सॉरी इंग्लिश ब्रीड बता रहा था, ऑस्ट्रालॉप और कॉमिस डार्क। उसके बाद क्या है एसेटिक ब्रीड, एसेटिक ब्रीड में क्या है ब्रह्मा लाइट, ठीक है, कोचिन, लैंगसन, लैंगसन में ब्लॉक। और ये बता रहा था कि मेडिटेरियन ब्रीड में एक क्वेश्चन आएगा, और इसमें क्या क्वेश्चन आएगा लेगहॉर्न वाला, ये क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, यही पे बता रहा था, फोन आ गया आपका, ठीक है। इंडिजिनस ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड में तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, कहते एसएल, ठीक है, बसरा, एसएल बसरा, ठीक है, चित्तागोंग करकनाथ, ठीक है, चित्तागोंग करकनाथ, ठीक है, बसरा एसएल, कहते गागूज, ये भी उसी का वैरायटी। और इसमें एक क्वेश्चन, यहां ये क्वेश्चन रीट में आ सकता और एक ही क्वेश्चन आपको रीट में आ सकता है एसएल, ठीक है, कहता ये एसएल जो है, ठीक है, ये कुक फाइटिंग में यूज होता है, किसमें यूज होता है कॉक फाइटिंग में, COCK, यानी कुक फाइटिंग, यानी कि मुर्गों को जो लड़ाने का जो होता है ना, जो खेल होता है उसमें इसको यूज करते हैं एसएल। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो यहां से आपको वीडियो तो हमने पूरे का बनाया, बट ये नीट में आ सकता है, ये नीट में आ सकता है, ठीक है। फिर आइए उसके बाद कहता है पोल्ट्री डिजीज। अब ये वेराइटी में इतना ही आपको याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, इतना ही याद रखना है। अब आइए पोल्ट्री डिजीज में, कहता है इनसिफेलो, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, जिसे ऑस्टियो मलेशिया बोलते हैं ना, ठीक है, ये भी मलेशिया है, यानी एबनॉर्मिटीज, इनसिफेलो मलेशिया, सिफेलो, सिफेलो का मतलब क्या होता है ब्रेन, ठीक है। देखिए क्या है, कहता है ये विटामिन ई की डिफिशियंसी जब हो जाए, ठीक है, फाउल में, तो ये डिजीज होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो ये डिजीज होता है। और कहता है इसमें होता क्या है सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू इन यंग पोल्ट्री, यानी यंग पोल्ट्री में ये सॉफ्टनिंग होता है, मतलब यंग पोल्ट्री में ब्रेन ही सॉफ्ट हो जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे स्पॉन्जी बोविन इनसेफेलोपैथी है गाय में, ठीक है, स्पॉन्जी बोविन, ठीक है, इनसेफेलोपैथी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मेड काउ डिजीज, उसी तरह से ये एक डिजीज है, ठीक है। बट ये किसके कारण होता है विटामिन ई डिफिशियंसी का। और इन सिफेलो, सिफेलो वर्ड कहीं भी रहे उसका मतलब आप ब्रेन ही समझिए। फिर उसके बाद कहते हैं, ठीक है, कोकिडियोसिस, ये कोकिडियोसिस प्रोटोजोअन डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लडी डायरिया होता है, यानी कि ब्लड भी निकलता है। कहता है इमेरिया, इमेरिया एक प्रोटोजोअन है, ये क्या है प्रोटोजोअन, जिसे अपने लोग में एंटीबायोटिक है, उसी तरह से ब्लडी डायरिया अपने लोग में एंटीबायोटिक कॉली से होता है ब्लडी डायरिया, ठीक है। अब आइए रानी खेत, ये नीट का फेमस क्वेश्चन है रानी खेत, ये मैं यहां पे लगा देता हूं, तो इसको भी आपको देखना है रानी खेत। कहते हैं इसको हम लोग न्यू कैस्टल्स डिजीज भी बोलते हैं, याद है आपको कैस्टल्स इंटेंजिक फैक्टर, गैस्ट्रिक जूस से कैस्टल्स इंटेंजिक फैक्टर आपको याद है। कहते हैं ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में होता है कैस्टल्स इंट्रिंजिक फैक्टर, कौन निकलता है ऑक्सेंटिक सेल या पैरेटल सेल, ठीक है। तो कहता है रानी खेत न्यू कैस्टल्स डिजीज, ठीक है, फॉर पॉक्स, इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस, बर्ड फ्लू, ये सब रानी खेत न्यू कैस्टल डिजीज, फॉर पॉक्स, इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस, बर्ड फ्लू, ये सब वायरल डिजीज है। पूछेगा इसमें कौन वायरल डिजीज, ये सारे वायरल डिजीज है। यानी रानी खेत भी, जिसको हम लोग न्यू कैस्टल डिजीज भी बोलते हैं, फॉर पॉक्स भी, इन्फेक्टियस ब्रोंकाइटिस भी, बर्ड फ्लू भी, ऑल आर वायरल डिजीज। और देखिए बैक्टीरियल डिजीज मैंने आपको अलग लिख दिया,
बैक्टीरियल डिजीज में क्या है, चौथे पॉइंट में हमने बैक्टीरियल डिजीज लिखा है, इधर पैथोजन इधर डिजीज। पैथोजन में क्या है, पास्चुरेला, अपना में पास्चुरेला पेस्टिस या इर्सिनिया पेस्टिस क्या कॉज करता है, ब्यूबोनिक प्लेग। यहाँ पे देखिए क्या कॉल करता है, फॉल कोलरा, याद रखिएगा यहां से तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये वायरल में, ये नीट का और ये भी नीट का, ठीक है, ये भी किसका है, नीट का। तो हमने यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में नीट का ये क्वेश्चन एसएल वाला, नीट का ये क्वेश्चन लैब हॉर्न वाला, नीट का ये क्वेश्चन वायरल डिजीज वाला, और नीट का ये क्वेश्चन बैक्टीरियल डिजीज वाला, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज यही चार आप याद रख लीजिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। पैथोजन पास्चुरेला, डिजीज का नाम लेकिन देख लीजिए, फॉल कोलरा, जबकि अपने लोग में कोलरा होता है किसके कारण, विब्रियो कॉलरी के कारण, देखिए डिफरेंस। साल्मोनेला, अपने लोग में साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफॉइड, यहाँ पे साल्मोनेला पुलोडम से क्या होता है, पुलोडम, ठीक है, डिजीज है। माइकोप्लाज्मा, अपने लोग में माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस से टीबी, और माइकोप्लाज्मा लेप्री से लेप्रोसी, यहाँ पे देखिए माइकोप्लाज्मा, ठीक है, गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम इससे होता है माइकोप्लाज्मोसिस, और कहता है लास्ट में स्पायरोकिट्स होता है, स्पायरोकिटोसिस, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका ये कंप्लीट एक वीडियो है 20 से 30 मिनट का, किसका, कहता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का। आज ही आपको मिलेगा अगला वीडियो जिसका नाम है, ठीक है, गोट फार्मिंग, ठीक है, यानी कि गोट के लिए जो फार्मिंग मैनेजमेंट है, गोट फार्मिंग मैनेजमेंट, उसमें हम लोग पश्मीना उल वगैरह ये सब सारा पढ़ेंगे, वो भी हमारा 20-30 मिनट का वीडियो होगा, उसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।